मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जंक्शन के इलाके में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। जिनसे हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था, यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही, जब साथ से तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए, तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो ये बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लें, तब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी, तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिज़ाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीज़ें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। तो इन सब बातों पर ही लोग काम कर रहे हैं। इस दौरान उनसे जब लालू यादव के जन्मदिन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह तो सबको बधाई देते हैं, जन्मदिन की बधाई हो। लालू जी को बधाई देंगे आज, बधाई है हमारी, हम तो सबको बधाई देते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया बधाई संदेश सबसे छोटा था, लेकिन बिहार की मौजूदा स्थिति के लिहाज से इस बधाई संदेश के कई मायने हैं।